हेलो फ्रेंड्स, पूजा किचन में आपका स्वागत है। हैप्पी वुमेंस डे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए और इसको मैंने छील के अच्छे से दो इस तरीके से पीस में कटा हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, 2 मैंने टमाटर लिए हैं और इनका मुझे बनाना है पेस्ट। यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने, जीरा लिया है और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और यहाँ पे मैंने क्रीम लिया है, ये मेरे मदर डेरी की क्रीम ली है। यहाँ पे लौकी लिया है मैंने, ये 500 ग्राम लौकी है, लेकिन मैं इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करूँगी, यानी कि मैं इसमें इसे हाफ ही यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, यानी कि 150 ग्राम बेसन है ये। गार्निश के लिए लिया है मैंने हरा धनिया। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को मुझे पीसना है, यानी कि इनका पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। इन तीनों का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। और अब मेरे को क्या करना है, जो हमारा लौकी है इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ ऊपर से छील के। ये मैंने हाफ ही लिया है यहाँ पे और इसको मैं इस तरीके से चाकू से छील लेती हूँ। इस तरीके से आप इसका ऊपर से छिलका उतार दें। ये देखिए, और अब मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। और इस तरीके से आप कोई भी खाली बर्तन लें, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें ऐड कर देना है बेसन और मैं कुछ मसाले डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर दें इस तरीके से। पानी इसमें हमें यूज नहीं करना है। और अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, यानी कि कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए, इसका मिक्सर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम भी हो गया है। अब मैं बनाती हूँ कोफ्ते। देखिए, गैस को मैंने स्लो फ्लेम पे कर दिया है, जिससे जो हमारे कोफ्ते हैं अच्छे से अंदर तक जाके अच्छे से सिके। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके हमें इस तरीके से डाल देना और पकौड़े तैयार करने। और इस तरीके से आप इन्हें पलटते हुए सेकें, जिससे जो हमारे कोफ्ते हैं चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। गैस को आप स्लो फ्लेम पे रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना रखें, नहीं तो जो हमारे कोफ्ते हैं ऊपर से जल जाएंगे। ये देखिए, कोफ्ते मेरे बहुत ही अच्छे से सिक गए, तो मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए, सारे कोफ्ते मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। और अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। मैंने ज़रूरत के हिसाब से तेल रखा है इसमें, और ये तेल गर्म भी है हमारा। थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और अब मैं लहसुन, प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ इसमें। इसको इस तरीके से आप चलाते हुए भूने अच्छे से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। गैस को मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें।
धनिया पाउडर, मैंने यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है। गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं पकौड़े बनाने में। और अच्छे से इसे मिक्स करें और इसी तरीके से चलाते हुए मसाले को आप अच्छे से भूनें। मसाला हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए मसाला मेरा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ। मैंने दो छोटे चम्मच यहाँ पे क्रीम यूज़ किए। अच्छे से इसे मिक्स कर दें आप। क्रीम डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो हमारी सब्जी का टेस्ट होता है बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। ये देखिए मसाला मेरा भुन के तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। पानी मैंने यहाँ पे एक गिलास लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें, जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हो उसी हिसाब से। और गैस को हाई फ्लेम पे कर दें आप। अब एक उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, गैस को मैं स्लो फ्लेम पर कर देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़े, जो हमने अभी कोफ्ते पकौड़े बनाए थे। और अब गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखें। और अब इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हमें और पकाना है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। और मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको पूरे 5 मिनट हो गए, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मलाई कोफ्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। गैस फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मलाई कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसे कि बेसन लेते हो तो उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि आप बेसन ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको जो कोफ्ते हैं वो हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।